रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो भी पैसा लगाया है, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, मतलब कि प्रोपराइटर ने लगाया है या बाहर से लोन लिया है, उस पूरे पैसे पे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो नेट प्रॉफिट ही है। बट आफ्टर टैक्स नहीं, आफ्टर इंटरेस्ट नहीं, आफ्टर डिविडेंड नहीं। क्यों नहीं, ऐसा क्यों, हम क्यों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ले रहे हैं? ऑब्वियसली रिटर्न कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? एक तो वो देख रहा है लेंडर, एक कौन देख रहा है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता क्या है? डिविडेंड। लेंडर को मिलता क्या है? इंटरेस्ट। तो वो अपने ही उस चीज़ों को माइनस करने के बाद रिटर्न थोड़ी देखेंगे। तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, बिफोर देने से पहले, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, बैलेंस शीट के पहले दो हिस्से, यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ओनर का कितना फंड है और लेंडर का कितना फंड है, ये दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कट चुका है, टैक्स कट चुका है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में जो डिडक्ट होता है वो टैक्स होता है, उससे पहले इंटरेस्ट, उससे पहले डिविडेंड एक्चुअली, फिर इंटरेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखना है इंटरेस्ट एंड टैक्स, नॉर्मली यही दिया होता है। अब 9,50,000 रुपीज़ दिए हुए हैं, 9,50,000 रुपीज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, 10% डिबेंचर है 10 लाख का, टैक्स दिया है 50%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 80 लाख। चलो अब हमें समझना है, अगर टैक्स 50% है तो ऑब्वियसली ये आफ्टर टैक्स है, ये 50% ही बचा होगा, आपने 50% कट कर दिया है, 50% ही बचा होगा। तो मतलब अगर मैं इसमें टैक्स को ऐड करूं, मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है? हमें क्या निकालना है, टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड कर देना है बेसिकली इस प्रॉफिट में। तो 9,50,000 अगर 50% है तो अदर 50% विल बी ऑल्सो 9,50,000। चलो ये तो टैक्स का अमाउंट आ गया, हमने वो ऐड कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट 10% डिबेंचर 10 लाख, ये 10% क्यों दिया होता है, इंटरेस्ट का ही दिया होता है। तो 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख। तो ये हमारा इंटरेस्ट होगा जो हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया था, उसे हम वापस ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो करिए 9,50,000 + 9,50,000 19 + 1 20 लाख, ठीक है? तो हमारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया है हमारा 20 लाख, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 80 लाख, ऑलरेडी गिवन। फॉर्मूला में डाल देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। सो इसको 100 करेंगे, परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है? सो योर इट इज 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इनटू 100। तो यहाँ पे 00 कट, 1,425, दैट मीन्स रिटर्न जो मिल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को वो है 25%। ओके, तो जो भी उन्होंने डाला है, चाहे लेंडर का है चाहे ओनर का है, उनको 25% ऑलमोस्ट मिल रहा है कंपनी से। तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड निकालना है। अगर आफ्टर है तो टैक्स ऐड करो पहले, फिर इंटरेस्ट ऐड करो, फिर डिविडेंड है तो वो भी ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो तुम्हें पता है। आपकी बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट टू पार्ट्स का एडिशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में आता है। सो इसके बाद और सम करते हैं दो तीन, देन दिस इज द लास्ट रेशियो फॉर प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस है आपकी।